के सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग 15 दिन पहले इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए, फ़ोन के जरिए सबको सूचना दे दी थी। सब ने आश्वासन भी दिया कि हम लोग एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हम काफ़ी, आपने देखा भी है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जिस पर फ़ोन किया उसी ने बहाने सुना दिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज के संगठन एक जगह आ सकते हैं, ये मेरा गलत फहमी थी, आज वो दूर भी हो गई। मतलब आप मुहिम चलाएंगे बहुजन संगठनों को एक करने की? नहीं, अब तो चल चुला ले। परेशान हो गए, कासराम साहब परेशान हो गए, जी जी, सारे महापुरुष परेशान हो गए। आपको क्या लगता है कि आपकी बातों में लोग आ जाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव बने हुए, वो अपना पद छोड़कर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नीचे आ जाएंगे? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बनाएं। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से आज समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी पर, बहुजन समाज पर जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए अगर हम थोड़ा एकजुट हो जाते, एक मंच पर आ जाते, तो शायद इसका कुछ सॉल्यूशन होता। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी गलत फहमी थी, आज वो दूर हो गई। आप कह रहे हो संगठन को एक करेंगे, आप खुद बीमारी से लग करके, तुमने पहले नेशनल भीम आर्मी बनाई, फिर भीम आर्मी 2 बनाई, खुद संगठन बनाते जा रहे हो, कैसे करोगे सबको? देखो, भीम आर्मी का मैं बता दूं, मैं उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन नहीं होने का कुछ ना कुछ कारण होता है। देखो, जब पहले से बहुजन समाज पार्टी थी, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पार्टी बनाई थी, तो और लोगों को आज़ाद समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, या अन्य संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? जब संता सैनिक दल परम पूज्य बाबा साहब दे गए थे, साहब कांशीराम जी बामसेब दे गए थे, तो क्या जरूरत थी भीम आर्मी और भीम आर्मी वगैरह बनाने की? आपको कोई ये प्रस्ताव देता है कि आप अपना संगठन हमें विलीन कर दो, तो क्या आप अपना संगठन उसमें विलीन कर लेंगे? देखो, अगर संगठन, वो संगठन की विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी विचारधारा वाकई में अंबेडकरवादी है और बहुजन समाज का सच्चा हितैषी है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज के लिए। अभी तक आपके पास कोई संगठन ऐसा आपको लगता है कि कोई संगठन ऐसा है जिसमें आप विलीन कर लें, आपको लग रहा है ऐसा कोई संगठन? मुझे तो देखो, सीधी सी बात है, जिन जिन संगठनों में मैंने काम किया, सबने अपना उल्लू सीधा किया है अभी तक। लेकिन सच बताए तो ग्राउंड स्तर पर और ग्रास रूट पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इस कंपनी? नहीं, अगर मुझे उल्लू सीधा करना होता तो मैं आज छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मैं भी बहुत बढ़िया 300-300 गाड़ियों में मैं भी घूमता मजे से। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज का बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आपको दर्द है कि आपके पास 300 की गाड़ी नहीं? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं। मेरा दर्द ये है कि जिन बहुजन समाज के 13 लड़के 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के दौरान शहीद हुए, उनके नाम से जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, सबीरपुर प्रकरण हुआ था सहारनपुर के अंदर 5 मई 2017 को, उसके नाम से जो इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और गुलछर्रे उड़ाए हैं, उसका मुझे उस बात का दुख है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं है, ना व्यक्तिगत मेरी कोई दुख है। दुख इस बात का कि समाज का बेवकूफ़ बनाकर इन लोगों ने जो अपने घर बनाए। जिन लोगों में तो सभी संगठन आ गए, कोई नाम ज़्यादातर तो मैं भीम आर्मी को कहूँगा, भीम आर्मी ने सबसे ज़्यादा गंदगी मचाई है। भीम आर्मी भी थी, उसमें तो आपका भी नाम आया। नहीं, भीम आर्मी में हम लोग अगर नाम ले तो नेशनल भीम आर्मी भी उसी में आ जाती है। नहीं, नेशनल जरूरी नहीं कि नेशनल भीम आर्मी उसी में आएगी। भीम आर्मी अगर सही तरीके से काम करती, भीम आर्मी के चीफ या राष्ट्रीय कोर कमेटी अच्छा काम करती, समाज के हित में काम करती और समाज के युवाओं का भविष्य ना खराब करती, तो शायद हजार हमें नेशनल भीम आर्मी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, हम मेरी खुद की विचारधारा नहीं, मैं कभी नहीं रखनी चाहिए, हमारी पूरी नेशनल भीम आर्मी की विचारधारा है कि जब तक ग्रास रूट पर काम नहीं होगा, जब तक हम गांव-गांव में कैडर नहीं करेंगे और समाज के युवाओं को शिक्षा और संविधान के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, जब तक नशे से दूर नहीं करेंगे, जब तक बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये हमारा विचार है। और गांव-गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव, सबसे ज़्यादा शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया जाए तो जब समाज का कुछ वैचारिक लड़ाई तो सबसे ज्यादा वैचारिक लड़ाई तो अब इस टाइम समाज के गद्दारों से हो रही है, जो समाज के सपोले बने बैठे हैं। आपको कैसे पता कौन है सपोला? सबसे बड़ा सपोला तो चंद्रशेखर है, मैं खुला बोल रहा और मैं डरता भी नहीं इस चीज़ से। मैंने पहले भी कहा है, मेरी कोई इससे निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाज का नुकसान करा, समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उस हिसाब से वो सबसे बड़ा वो है। नुकसान बताओ कितना नहीं पूछा है, सबीरपुर के नाम से जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था सहारनपुर के अंदर, वहाँ पता नहीं कितने युवाओं का भविष्य खराब हो, वो जेल में चले गए। सोनू नाम का लड़का था, सबीरपुर का रहने वाला, चंद्रशेखर को जेल में गया था, चंद्रशेखर को तो जानबूझ के भेजा गया और जानबूझ के निकाल लिया। चंद्रशेखर को इतनी बड़ी बड़ी एक चीज बताओ, अगर सरकार का सपोर्ट ना होता चंद्रशेखर को, तो चंद्रशेखर क्या 300 गाड़ी में कहीं अत्याचार होगा, चंद्रशेखर जाता, आप तो नहीं जाते वो कहाँ सी? चंद्रशेखर के पास सारे संसाधन है, लेकिन हम प्रयास करते हैं जाने का। चंद्रशेखर को प्री प्लान BJP ने खड़ा किया गया है, RSS का आदमी है, मैं खुला बोल रहा हूँ, और ये बात मैं आज से नहीं कई साल से कहता आ रहा हूँ, BJP उसे खड़ा कर रही है, क्योंकि उसे इस यूपी में से किसी तरह बहन जी को डैमेज करना, और वो इसने काम कर दिया है।
आपको किसने खड़ा किया है? मुझे तो मुझे किसी ने नहीं खड़ा करा। मैं तो आज समाज के काम कर रहा हूँ, समाज के बीच में हूँ, समाज को लगा कि अच्छा है तो मैं समाज में काम कर रहा हूँ। दूसरे लोग संगठन वाले लूट रहे हैं तो आप कब लूटना शुरू करोगे? मुझे जरूरत ही नहीं लूटने की। अगर मुझे लूटना होता तो मैं अपनी नेवी की नौकरी छोड़कर मुझे क्या जरूरत है आज समाज में धक्के खाने की। एक समय वो भी होता है कि हमारे पास किराया तक नहीं होता, हम अपना किराया तक नहीं होता। मैं मेरी मिसिज मेरठ से बस आए हैं, कहीं पर भी मीटिंग करने जाते हैं। अभी 15 दिन का प्रोग्राम करके आऊँ एमपी में, लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में एमपी में रहा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम चौधरी, उसके साथ हमने जो बेचारे उसमें फंसे हुए थे लॉकडाउन में, आने जाने वाले लोगों को हमने खाने के राशन तक बांटे। बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सबको एक साथ आ जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप उन पर आरोप लगा। नहीं, मैं तो उन लोगों मैं स्पष्टीकरण करा रहा, मैंने कहा भी है चंद्रशेखर, बाबा नवेश राम, ठीक है जी, सतपाल तंवर, ऐसे ऐसे भड़काऊ लोगों को निकाल दो और अपने आप समाज उद्धार हो जाएगा। इसी वजह से मैं छोटे छोटे संगठन को लाना एक मंच पर लाने का प्रयास था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी एक मंच पर आ जाएगा। भड़काऊ सतपाल तंवर जी को देखा, अत्याचार होते वहां जाते जाते। आज एक चीज बताइए, यूपी में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, सबसे ज्यादा अत्याचार इन लोगों की वजह से हो रहे। आप भड़काऊ भाषण देते हो, दूसरे को गाली देते हो, और जहां पर समाज दबा कुचला है वहां पर लठ बजा इन पर, होता है नहीं होता है? सबसे ज्यादा 90% यही हाल हो रहा। पहले अत्याचार नहीं होता था समाज पर, इतना ज्यादा नहीं होता जितना आप होने लगा। आज मेरे गाँव को ले लीजिए, मेरा गाँव जाटों का महकमा है, इधर ठाकुर है, इधर जाट है। आज तक बाबा साहब की तरफ को उंगली नहीं उठाई। सहारनपुर में ही क्यों तस्वीरें टूटते हैं? सहारनपुर में ही क्यों बाबा साहब की उंगलियां टूटती है? बताइए, सोचने वाली बात है। आपने भी कहा कि चंद्रशेखर बीएसपी को कमजोर करने के लिए, उन्हें तो खुद ही वोट नहीं मिले चंद्रशेखर उसी जमाने तो जब तीन थी तो उपचुनाव में क्यों जितनी भी काटी बीएसपी की वोट काटी उसने, बताओ, चाहे उसने एक वोट काटी या 1000 काटी तो बीएसपी की है। और जहाँ जहाँ अब वो कह रहा है कि मैं अकेला चुनाव लड़ा, उनने हर विधानसभा पर अपने कैंडिडेट लड़ाए। तो सबका संवैधानिक अधिकार है ना चुनाव? नहीं, अधिकार है, लेकिन बेवकूफ़ क्यों बनाया गया पहले? जब दिल्ली में पहला प्रोटेस्ट हुआ था कि मैं भविष्य में अगर राजनीति करूँ तो मेरा गोली मार देना, कहा था ऐसा कोई रूपा नहीं जो मुझे खरीद सके, सारे काम हो लिए दोनों काम। बताओ, लेकिन आप चंद्रशेखर के पीछे क्यों पड़े? लंबी लाइन खींची ना चंद्रशेखर? लंबी लाइन खींची पड़ी, मैं तो बात की बात बताई। देखो, जब तक आप एक चीज बताइए, जब हमारे समाज पर कोई उत्पीड़न करता है, हमारे समाज को धोखा देता है, तो हम आग बबूला हो जाते हैं, एक मंच पर आने के लिए तैयार हो जा। और जब समाज का ये आदमी समाज के साथ गड़बड़ करेगा तो उसे क्यों नहीं कहते हैं? आपने बैनर पर लिखा कि बहुजनों पर अत्याचार के खिलाफ है, आप तो चंद्रशेखर के पीछे नहीं, आपने जब सवाल ऐसा करा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब आप लोगों ने सवाल किया तो मुझे तो जवाब देना पड़ता। अब आप सवाल तरीके से और तरीके से करते तो मैं और तरीके से जवाब देता। आपने लिखा देश भर में बहुजनों पर अत्याचार, हाँ जी तो बिल्कुल, बात करी ना अत्याचार, तो स्टार्टिंग तो किस चीज से करी भाई? आप सवाल कर रहे तो मैं उसी हिसाब से बताया। आपने स्टार्टिंग करी थी मैं सबको एक साथ जोड़ना चाहता, हाँ एक साथ, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। आज वो गलतफहमी दूर तो हो गई है। अत्याचार कैसे कम होंगे देश भर में? अत्याचार को कम तो ऐसी होगी, एक तो हमारे समाज के नेताओं को भड़काऊ भाषण देने करने पड़ेंगे बंद, सही और संविधानिक तरीके से अपने को समझा लो, दूसरों को गाली देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, एकजुटता के साथ जब तक गांव-गांव में कैडर नहीं करेंगे, जब तक अपने लोगों को नशे से नहीं बचाएंगे, गलत काम से नहीं बचाएंगे, तब तक शोषण और अत्याचार रहेगा जब तक एकजुटता में नहीं गए। और शिक्षा की ओर ले जाओ, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षा के मामले में हम जीरो, संगठित के मामले में ऐसे एक पिट रहा तो दूसरा खड़ा हुआ देख रहा, और संघर्ष कैसे में कर रहे हैं, उल्टे सीधे कामों में कर रहे हैं। कैडर का, कैडर की परिभाषा क्या है? कैडर की परिभाषा ये है कि हम लोग गाँव-गाँव जाते हैं, सबसे पहले लोगों को घर घर से बुलाने का कार्य करते हैं, जिसमें हमारी बहन बेटियाँ और युवा और बुजुर्ग भी रहते हैं। उन्हें सबसे पहले बताते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, सोटली सोटली करके बताते हैं कि जो बलिदान दिया उसके बारे में बताते हैं। जैसे परम पूज्य बाबा साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी, पेरियर साहब होगी, और अपने ज्योतिबा फूले जी होंगे, साहब कांसीराम जी होंगे, और आदरणीय बहन जी है। लोकेश, अब आपको क्या लगता है, जिस प्रकरण से आप पूरे विश्व में फेमस हुए, आपने सहारनपुर में वो कबाड़ी का ठेला लगाया था? नहीं, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में जी, वो उसमें पछता रहे हो आप? नहीं, पछता कुछ नहीं। आपने वक्तव्य में कहा कि हमें दूसरों को भड़काना छोड़ना पड़ेगा और अपने को मनाना पड़ेगा, तो उस प्रकरण में पछता रहे हो? नहीं, वो देखो भड़काने वाला मामला था। हाँ हाँ, पछता जमानत जब्त हुई जी जी, कितने दिन कितने महीने बिना जमानत के आपको जेल में जाना पड़ा, तो उस पर पछतावा है? पछतावा उस चीज से नहीं, पछतावा वैसे नहीं, जो मैंने करा अच्छा करा, लेकिन पछतावा इस चीज का हम लोग कर तो देते हैं, लेकिन ये उंगली लगाने वाले लगा देते हैं लेकिन जब साथ नहीं देते, यही प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने क्यों उतारी थी इसका भी रीजन सुनो।
हमने मुजफ्फरनगर जिले में लगभग सैकड़ों गांवों में से ये तस्वीरें उतरवा के हमने नदियों में बहाई थी, लेकिन उसका रीज़न ये था कि किसी तरह चंद्रशेखर, हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम खुद कह रहे कि हम मैच्योर नहीं थे, एक जोश था, युवा जोश, अंधभक्त बन के लगे हुए थे, हमें लगा कि भाई अपने समाज का कोई भाई आया है हमारे बीच हमारी आवाज़ उठाने के लिए, इसी वजह से हम लोगों ने वो उतारा था। मगर किस तरह छोड़ दे, 25 जून 2017 में उत्तराखंड गुड़मंडी मंगलोर में भी हमने रोड जाम किया था, जिसका खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं हम लोग। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये करा था, लेकिन जब देखा कि हम जेल में पड़े, उन लोगों ने हमारा पता तक नहीं लिया जिन लोगों की वजह से किया, तब जाके हमें पछताना हुआ कि हमने वाकई में गलत किया था। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमें माइंड से निकालना, ना कि घरों से, ये चीज़ आप समझे, हम उस टाइम नहीं समझ पाए, लेकिन अब समझ रहे हैं कि हमें दिमाग में से निकालना अपने लोगों के, ना कि घरों में से। जब उनके कट्टर बनने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि कट्टर बन के, केवल कट्टर बन के ये हो रहा है इस टाइम, कट्टर बन के अपने ही दुश्मन खड़े हो जाते हैं, है तो अब भी हम कट्टर, हमें पता कट्टर रह गए हमेशा, लेकिन हमने देखा 90% लोग हमारे दुश्मन, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं अगर कट्टर बन जाते हैं, अपने ही लोग कटवाने का काम करते हैं।